आज हमने ओप्पो के दो फ्यूचरिस्टिक एआर ग्लासेस को ट्राई करा, हमने छोटे चश्मे, कैमरे वाले चश्मे, वीआर वाले चश्मे सब ट्राई कर रखा है, बट आज हम एमडब्ल्यूसी में गए थे और काफी नेक्स्ट लेवल चीजें और नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज हमने वहां पे देखी। एमडब्ल्यूसी जो लोगों ने बताया एक टेक इवेंट होता है जिसमें सारी कंपनीज नेक्स्ट लेवल चीजें दिखाने की कोशिश करती है। सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस ट्राई करा, ये काफी बड़ा एक भारी भरकम सा एक वीआर प्लस एआर वाला गॉगल है, काफी हद तक एक बिजनेस वाले यूज के लिए। इसके ऊपर जो स्क्रीन है वो प्रोजेक्ट होकर आती है, काफी ज्यादा कूल लगती है, बट इसमें जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी कम है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो भाई, नील काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल मजे कर रहा है और मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम HTC के भी सेक्शन पे गए थे। HTC जो उन्होंने पता HTC Vive के ऊपर काम करते हैं और ये VR वाली ग्लासेस के ऊपर काफी टाइम से काम कर रहे हैं। जिन्होंने पता VR वाली ग्लासेस क्या होते हैं, ये एक्चुअली बड़े बड़े ग्लासेस होते हैं जिसको पहन के आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। ये वाला पहला वाला एक्चुअली एक बड़ा सा हेडसेट जो आंटी जी चला रही है, बट ये काफी सिमिलर है जो Oculus हमने ट्राई कर रखा था और भी एक दो जगह जाके हमने अलग अलग टाइप के AR और VR ग्लासेस ट्राई करी। बट ओप्पो ने भी भाई दो काफी इंटरेस्टिंग ग्लासेस लॉन्च करे और दोनों को भाई एक एक करके बताता हूँ। ये वाले पहले ग्लासेस है जैसे कि देख सकते हो बहुत ही एक पतला फ्रेम है और ये खाली फ्रेम किसी काम का नहीं है, ये एक्चुअल फ्रेम बस एक नॉर्मल चश्मा है भाई, लेंस कार्ड से भी खरीद सकते हो, वो भी सिमिलर सा ही है, बट इसमें दोनों साइड पे एक मैग्नेट लगा है जिससे आप एक्चुअल डिवाइस को अटैच कर सकते हो और ये जो डिवाइस है ये एक्चुअल प्रोजेक्टर है या फिर स्क्रीन है या फिर जो भी आपको बोल रहा हो, और इसके थ्रू सारा जादू होता है। जैसे मैंने इन ग्लासेस को पहना काफी ज्यादा हल्के और मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि एक्चुअल मैं एक फुल ब्लोन AR ग्लासेस को पहन रहा हूँ। इससे पहले हमने जितने भी ग्लासेस ट्राई करे हैं सारे VR वाले थे, तो एक्चुअल जब उनको आप पहनोगे आप दूसरी दुनिया में घुस जाते हो, मतलब पूरा एनिमेटेड है, अंदर जितनी भी चीजें हैं उससे रियलिटी का कोई कनेक्ट नहीं है, मतलब अपने सामने दोस्त खड़ा हो गायब हो जाते हैं जब हेडसेट पहनते हो, बट इन वाले ग्लासेस में जब आप पहनो तो आप एक्चुअल नॉर्मल वर्ल्ड से अपने दोस्त से भी हाथ मिला सकते हो, अपने ऑफिस में भी बैठ के काम कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो नॉर्मली। एट द सेम टाइम आप इन ग्लासेस के थ्रू एक विजुअल डिस्प्ले भी देख सकते हो अपनी रियल लाइफ में, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जिन्होंने नहीं पता भाई AR VR वाला मामला कहां से आ रहा है, एक्चुअली मेटावर्स की तरफ दुनिया बढ़ रही है और सबको ऐसा लगता है कि भाई आगे जाके हम सब भाई ग्लास लगा के घूमेंगे, मोबाइल वोबाइल सब फेंकने का टाइम आगे लग रहा है। इसमें जो प्रोजेक्टर है बैक साइड में, इसमें एक छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है और काफी ज्यादा कूल भी लग रहा है दिखने में, और एक भाई मैट्रिक्स वाली लुक मेरे को पता नहीं क्यों दे रहा है, और काफी एक ट्रांसपेरेंट सी स्क्रीन है। एक्चुअल अगर आप देखो तो इसी कांच के अंदर एक एक्चुअल पूरा डिस्प्ले है और हमको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि जब ये बंद है तब आपको कुछ भी नहीं दिखता है इसके ऊपर, बट इसी के अंदर काफी सारे पिक्सल्स हैं और ये भाई डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल लगता है। इसमें कोई भी वायर्स अटैच नहीं होती है, पूरी बैटरी और जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे इस डिवाइस में हैं जो साइड में आपके लग जाता है चश्मे के, और इसकी एप्लीकेशन भी जैसे कि आप देख सकते हो काफी सारी चीजें हैं, अलग अलग फीचर्स हैं भाई, वेदर देख सकते हो, उसके बाद अगर आपको टेम्परेचर देखना है या फिर कोई फुटबॉल का स्कोर देखना है या टाइम देखना है, सारी चीजें आप देख सकते हो, तो वो सारी चीजें हैं। जैसे ही आप अटैच करते हो भाई ये एक्चुअल एक डिस्प्ले में कन्वर्ट हो जाता है और बाहर वाली दुनिया को भाई किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है चश्मे के ऊपर, बट जो एक्चुअल डिस्प्ले आपको देखने में मिलेगा उसमें काफी ज्यादा ग्रीन लाइट्स है, मतलब एक सिंगल कलर ही LED है और काफी ज्यादा बड़ा फील होता है। एक्चुअल जो आप अपनी आंखों के ऊपर लगा लो तो ये 50 इंच के डिस्प्ले की तरह फील होता है, काफी ज्यादा शार्प है। इसमें एक जेस्चर कंट्रोल भी है, अगर आप राइट साइड में स्वाइप करोगे तो एक्चुअल स्क्रीन भी चेंज होती है और आप इसको कंट्रोल कर सकते हो अपने टच के थ्रू। राइट साइड में ओप्पो भी लिखा है, काफी कूल सा दिख रहा है छोटा सा, बट ऑनेस्टली बताऊं रंगीन दुनिया में यार हमको पसंद नहीं आ रहा यार, सही है ग्रीन कलर बट लाइक थोड़ा और कलर ऐड होना चाहिए। एक चीज और काफी इंटरेस्टिंग थी, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड, ऐसे नहीं कि कोई भी तार जा रही है आपके फोन के अंदर। ये ऐसे ग्लासेस मेरे को लगे जिनको आप पहन के नॉर्मल काम कर पाओगे, बट डेफिनेटली फ्यूचर के लिए एक नेक्स्ट लेवल चीज है। तो भाई नेक्स्ट हमारे ग्लासेस हैं फुल ब्लोन AR ग्लासेस जिसमें आप एक्चुअल 3D में चीजें देख सकते हो और मिक्स कर सकते हो भाई 3D और रियल लाइफ को। तो ये ऐसे बॉक्स में आता है जिसको अगर आप खोलोगे तो एक्चुअल आपको सामने भाई बड़े बड़े चश्मे मिल जाएंगे, दिखने में काफी ज्यादा कूल है, काफी ज्यादा फ्रंट से ब्लैक ब्लैक करके दिख रहे हैं। नीचे एक्चुअल एक केबल है जिससे आप इसको फोन से कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा लग रहा है कुछ रजनीकांत की मूवी से उठ के आ गए, बट ओवरऑल भाई पिछले वाले में कलर की थोड़ी कमी थी, बस हरा वाला कलर दिखता था। इसमें भाई इंद्रधनुष से फुल प्रेरणा ली गई, सारे कलर फुल ब्राइटनेस में, इसमें फुल 3D व्यू आपको देखने को मिलता है। बाहर से दिखने में काफी अजीब से बड़े भारी भरकम से गॉगल्स लगते हैं, आप नॉर्मली किसी ऐसे बंदे को देखोगे नहीं जो ऐसे पहन के घूम रहा हो, और ऊपर एक ब्लैक बार आपको देखने के लिए मिलती है इन ग्लासेस में, और फ्रंट में दो कैमरास भी हैं जो एक्चुअली फुल्ली फंक्शनल है, और इसके बैक साइड में एक USB पोर्ट है और इसके थ्रू एक मोबाइल ऐप से कनेक्ट हो जाता है, और एक एज अ पॉइंटर मशीन आप इसको यूज कर सकते हो भाई, जहां पे भी आपको क्लिक करना हो मोबाइल के थ्रू कर सकते हो। मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि भाई मेरे सामने एक 85 इंच का फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, और इस वाले में अगर आप सामने से भी देखोगे तब भी आपको डिस्प्ले के थ्रू हल्का फुल्का देखने के मिल जाएगा कि हम देख क्या रहे हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट से नहीं दिखेंगे, अगर कोई दूर से देख रहा है तो उसको पता चल जाएगा भाई कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसके ग्लासेस के अंदर। एक्चुअली जो मैंने पहना इन ग्लासेस को थोड़ा सा वियर्ड लगा, क्योंकि हल्का सा उचके से लगे, क्योंकि
ऊपर की साइड पे एक बड़ी सी बार है जिससे आपको कुछ भी नहीं दिखता है। बट इसमें एक मेरे को दिक्कत लगी, अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको मोबाइल से कनेक्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल को एज अ पॉइंटर यूज करना पड़ता है सारी चीजों के लिए। तो एक बार आप अगर आपको पिक्चर चला के छोड़ने तो वो कर सकते हैं, बट एक्चुअल अगर यूज करना है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसमें जो एक्चुअल स्क्रीन दिखती है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोजेक्टर वाली फील देती है, ये प्रोजेक्टर वाली फील इसलिए देती है क्योंकि इन ग्लासेस में कोई भी स्क्रीन है ही नहीं। जो ये ग्लासेस आप देख रहे हो ये काफी हद तक एक ट्रांसपेरेंट नॉर्मल से ग्लासेस है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसको अगर आप तोड़ के दूसरे भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जो स्क्रीन है वो ग्लासेस के अंदर नहीं है, वो चश्मे के ऊपर वाले सरफेस पे है। इन दोनों ही ग्लासेस मेरे को एक चीज थोड़ी सी वियर्ड लगी, मेरे आंखों में चश्मे नहीं है तो मेरे को मस्त दिख रहा था। नील की आंखों पे चश्मे है तो उसको कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि एक्चुअल ग्लासेस के ऊपर आप ये सारी चीजें लगा नहीं सकते। उसके लेंस अगर आप चेंज भी कर दो तो एक्चुअल जो प्रोजेक्शन है उसके आप डिस्प्ले का फोकस नहीं चेंज कर पा रहे। तो आई थिंक ये एक ऐसा फीचर है जो फ्यूचर में ऐड कर देना चाहिए, बट मेरे को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तो मेरे को पर्सनली इनको यूज करने में काफी ज्यादा मजा आया, काफी कम थकान हुई, अभी ये ग्लासेस काफी हद तक कंफर्टेबल लगे। बट एकदम ऑनेस्टली बताऊं, जो क्लैरिटी है वो इतनी ज्यादा मुझे शार्प नहीं लगी, और जो डिस्प्ले भी था वो डिसेंट था, एक प्रोजेक्टर टाइप मेरे को फील दे रहा था। अगर इसको आप रात में देखते हो तो डेफिनेटली काफी अच्छा और बेटर एक्सपीरियंस रहेगा। बट जो अभी एप्लीकेशंस हैं, आप खाली मूवीज देख सकते हो, थोड़ी बहुत फोटोज देख सकते हो, काफी ऐसे कुछ नेक्स्ट लेवल एप्लीकेशंस मुझे देखने के लिए नहीं मिली। तो अभी काफी एक रॉ और एक प्रोटोटाइप स्टेज के ऊपर है, ये ऐसा नहीं है कि बिकने में रेडी हो गया और मार्केट में लॉन्च करने वाले। बट मुझे ये जो डायरेक्शन है AR और VR वाले ग्लासेस की, ये डेफिनेटली काफी नेक्स्ट लेवल लग रही है, और मेटावर्स भी भाई काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। पर एक चीज और भी मजेदार है, वो है नीचे टेक बर्नर का सब्सक्राइब बटन, जिसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बट अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थक गया यार बोलते बोलते, पानी की जरूरत है हमको, ये पानी बुला रहा है मेरे को।